हेलो गाइस, आज हम फिर दोबारा से अपने मिनी फार्म पे आए हैं। देखिए जी, आज हम देखते हैं जो कल बकरी ने बच्चे दिए थे तो वो कैसे अब हो गए हैं, खड़ा होने लगे हैं कि नहीं। तो वीडियो को पूरा देखना है और हमारे चैनल को आपने लाइक और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखिए जी, बकरी ये देख रही है हमारी तरफ, और इसके दो बेबीज जो कल पैदा हुए थे ना, ये देखिए इनको ना हमने ये टोकरी में रख दिया। सर्दी है ना, मौसम कल से काफ़ी ख़राब है, धूप नहीं निकली हुई, तो इसलिए इनको टोकरी में रखा ताकि इनको सर्दी ना लगे। हाँ जी, हाँ जी, तुम्हारी तरफ ही आ रही हूँ। बकरी देख रही है, मुर्गी है, देखें कल मुर्गी नज़र आ रही थी, मुर्गा नज़र नहीं आ रहा था, तो आज मुर्गा भी आ रहा है, मुर्गा भी बाहर आ गया। अब ये देखिए साइड पे खड़ा हुआ, मैं अभी आपको ना फोकस करके दिखाती हूँ। ये बकरा है जी हमारा, ये बहुत तंग कर रहा है आज और हमें खड़ा नहीं होने दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए जी, बकरी बहुत ही ज़बरदस्त है, कल से काफ़ी बेहतर लग रही है, कल काफ़ी थकी हुई थी ये, तो आज बेहतर है। ये बकरा ये देखें, ये खाना मांग रहा है और तंग कर रहा है हमें बहुत ज़्यादा। ये देखें, अब इसको खाना खिला देते हैं हम, ताकि ये साइड पे हो जाए और हम लोग आगे जा सकें, ये हमें रास्ता नहीं दे रहा आगे जाने के लिए। चले साइड पे हो जाओ तुम। हाँ जी, वो देखिए एक जी बकरी है, वो सामने बैठी है ब्राउन, ये देखिए मुर्गा और बकरी के बच्चे माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। देखिए वो एक खड़ा हो गया और एक अभी बैठा हुआ है, लेकिन एक काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है, अब कल से काफ़ी बेहतर है, और दूसरा अभी भी बैठा हुआ है, वो भी कोशिश कर रहा है बाहर आने की। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह से एक और गोश भी है, और इसको हम ये देखिए ये मुर्गा नज़र आ रहा है, तो कल इसकी लड़ाई हो गई थी दूसरे मुर्गे के साथ, ये ज़ख्मी हो गया था, इसलिए हमने ना इसको बंद कर दिया था, आज इसको निकाला हमने बाहर। ये देखें आज ही बड़ा शरीफ बना हुआ है, ये देखें शरीफ बन के खड़ा है बड़ा। तो इसको भाई बकरी वैसे फिर बच्चों को शरीफ हम दूध बनना पिलाने है। की कोशिश कर रहे हैं हम, कि बच्चे फीड करें अपनी माँ का दूध। और ये देखें ये माशा एक्टिव है, खड़ा होकर इसको लेकिन पिलाना पड़ रहा है हमें ना, अभी इसको पता नहीं चल रहा। तो दूसरे वो सामने से बच्चे देखें बकरे को छेड़ रहे हैं, ये देखें इसको ख़ारिश हो रही है, दीवार के साथ ख़ारिश हो जा रहा है। अच्छा ये देखें बकरी ये पहले फिर सूंघ रही है बच्चों को अपने को, उसके बाद मेरे ख्याल से दूध अपना फीड करवाएगी इनको। ये कोशिश कर रहे हैं इनको दूध सोच पिलाने की, ना लेकिन ये जो मुझे बच्चे हैं ना अभी सही तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा, ये छोटा है, वो बड़ा वाला वो खड़ा हो गया। ये देखिए इसको पिलाने की कोशिश करते हैं दूध, अगर ये पी ले तो। अभी ये बहुत ढीला है, ये दोनों फीमेल्स हैं जो बच्चे हैं ना इनके बकरी के, ये दोनों फीमेल हैं। वो देखिए सामने खरगोश नज़र आ रहा होगा आपको, छोटा सा ना वाइट कलर का माशाल्लाह से, ये देखें ये भी खाना खा रहा है। ये देखें मैं, ये देखें इसके भी माशाल्लाह तकरीबन 6 बच्चे हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं, वो भी आपको लास्ट में दिखाते हैं। इसके बच्चे बहुत ही खूबसूरत हैं, एक ब्राउन है और बाकी 5 जो है ना वो वाइट कलर के हैं। अभी वो अंदर बंद किए हैं, मैं सर्दी की वजह से बाहर ही निकाला उनको हमने, ये खाना खाने के लिए बाहर आई थी। ये फीमेल है खरगोश, वो फिर बच्चों की तरफ हम आपको लेके जाएंगे। अभी बकरी की कोशिश कर रहे हैं हम कि बच्चे दूध पी लें, थोड़ा सा स्टैंड करें पाँव के ऊपर, दूध पियेंगे तो ये ठीक होंगे। ये खरगोश खा खा के जो हमारी है ना खरगोश ने मोटी हो गई काफ़ी, ये देखें कैसे चपर चपर खा रही है। ये देखें चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं, ताकि जो हमारी बकरा जो है ना हमारा, वो गुस्सा खा रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे खाना नहीं दे रहे हम। वो मुर्गी का और मुर्गी का जोड़ा वो सामने नज़र आ रहा होगा वो, ये बकरी है बहुत शरीफ हमारी, देख रहे हैं आराम से बैठी हुई है, ज़रा नहीं तंग कर रही। ये देखें पहले सो रही थी, अब ये उठी है लेकिन अभी भी बैठी हुई है। ये देखें ये एक फ़ीमेल ये है वाइट कलर की, और जो दूसरी फीमेल है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ये कितनी ही खूबसूरत फीमेल है, देखिए ब्राउन कलर के इसके कान है, बाकी ये सारी ब्लैक है माशाल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत फीमेल है दोनों। दूध पिलाने की कोशिश हमने की है, लेकिन ये दूध अभी अच्छे तरीके से फीड नहीं कर रही, तो अभी तरह हम ठहर के दोबारा से कोशिश करेंगे, ताकि बच्चे जो हैं वो दूध पी सकें माँ का। उतनी देर हम आपको ना खरगोश के बच्चों की तरफ लेके चलते हैं। ये देख भाग गया, हाथ नहीं लगा देती खरगोश, नहीं है ना बहुत तेज़ है ये, तो हम कोशिश करते हैं इनके बच्चों को दिखाने की आपको, ताकि आप, रूस्टर आ रहा है जी इस तरफ, रूस्टर कल से काफ़ी ज़ख्मी हुआ हुआ है। बकरी अच्छा ये देखें हम कोशिश करते हैं, अगर आपको नज़र आ जाए खरगोश के बच्चे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह जी 5 सफ़ेद बच्चे हैं और एक ब्राउन, बहुत ही खूबसूरत हमारे बच्चे हैं, कितने देख नज़र आ रहे हैं आपको खरगोश के बच्चे। अच्छा जी मुझे इजाज़त दीजिए, अब चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।